सभी दर्शकों का पीजीआरएल में काफी काफी स्वागत है। तो हम आज जो पर्टिकुलर जो आज का जो कंटेंट है वो पर्टिकुलर सभी स्टूडेंट के लिए, जैसे मान के चलो कोई कॉम्पिटिटिव कर रहा है या फिर कोई बैंकिंग कर रहा है या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है हमारा फेमस सब्जेक्ट दैट इज रीजनिंग, तो ये काफी एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट है और बोल सकते हैं वैल्यूएबल सब्जेक्ट रहने के साथ साथ में काफी स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है अगर प्रॉपर वे से इसके साथ डील किया जाए। तो जैसे हम सभी को पता है रीजनिंग मतलब क्या है, एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जो कि हमको जो भी टेक्निक्स है, अब मान के चल रहे फॉर एग्जांपल रीजनिंग को अगर हम कैटेगराइज करना है तो दो इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, एक हमारा वर्बल रीजनिंग और दूसरा हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। अब हम सभी को पता है व्हाट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी वो रीजनिंग जो कि पिक्चर्स में आएगा, जैसे कि मान के चलो कोई डायग्राम्स हो गई या फिर पजल्स हो गया, ये काय में आएगा, ये आएगा हमारा नॉन वर्बल में। और वर्बल में कौन सा आएगा, तो वर्बल में आएगा हमारा जितना कि जैसे कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग क्या है देखिए, कोडिंग डिकोडिंग वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमें विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अल्फाबेटिकल वाला भी हो गया, आप अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सिक्वेंशियल पजल, नंबर रैंकिंग्स, टाइम सीक्वेंस एंड टेस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। सीरीज कॉम्प्लीशन भी काफी अच्छा चैप्टर है, उस पर में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ब्लड रिलेशन में तो हम सभी को पता है कि काफी एग्जाम कोई भी रहो, स्टेट लेवल की रहो या फिर हमारी सेंट्रल लेवल की रहो, जैसे कि यूपीएससी हो गया, अगर जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र में एमपीएससी कंडक्ट होती है, अगर हमारा गुजरात बोर्ड है तो गुजरात में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, गुजरात में क्या है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी। इसके बाद में सेम स्टेट वाइज अलग अलग रहते, लेकिन ये पब्लिक सर्विस कमीशन लगभग हर इसमें है, एमपी में है एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जितने भी स्टेट है लगभग ये पब्लिक सर्विस कमीशन का वहां पे एग्जामिनेशन होते रहता है और उसके अंदर रीजनिंग का काफी इम्पोर्टेंट रोल वहां पे होता है, सिलेक्शन फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन। सो अगर बात करेंगे हमारा ब्लड रिलेशन वाला, तो ब्लड रिलेशन में हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सन एंड अंकल, पैटर्नल अंकल, मैटर्नल अंकल, सो लॉट्स ऑफ रिलेशन बिटवीन दिस ब्लड रिलेशन। एंड उसके बाद में पजल टेस्ट, पजल दिया जाएगा उसको सॉल्व करो, उसके बाद में सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, उसके बाद में डायरेक्शन सेंस टेस्ट, उसके बाद में लॉजिकल वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम, तो ये। उसके बाद में हमारा अल्फाबेट टेस्ट, तो अल्फाबेट टेस्ट में क्या रहता है, जैसे मान के चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू यू आर टी एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से 13-13 के ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, 13-13,
ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एम के नीचे ही आना आएगा, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू यू यू वी वी ए एम के एल एम एन ओ पी क्यू यू वी के एल एम एन ओ पी क्यू यू वी आर ई आर ई ई एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो देखिए ये लगभग 13 के नीचे ये रिमेनिंग 13 अल्फाबेट ये हो गया सीक्वेंस। फिर इसके अंदर अगर हमने लगाया जैसे कि B के नीचे कौन है X, D के नीचे कौन है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो D के नीचे W है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसके अंदर अल्फाबेट टेस्ट के अंदर हमको प्रॉब्लम दिया जाएगा और उसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम था इसीलिए प्रॉपर मैंने उसको सिक्वेंस लगाया नहीं। लगभग 13 के नीचे 13 अल्फाबेट्स रहते हैं और उस हिसाब से हमको फिर उसका लॉजिक समझना पड़ता है कि पर्टिकुलर किस लॉजिक से ये क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड है कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड है। ये तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस में हमको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर विच टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन प्रेजेंट इन अवर एग्जामिनेशन। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू ये तो मैंने अभी तक मेरे ख्याल से अल्फाबेट टेस्ट तक हुआ हमारा, उसके बाद में अल्फा न्यूमेरिक सिक्वेंशियल पजल नंबर रैंकिंग टाइम सिक्वेंस टेस्ट, उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे थोड़े बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हमको देखना पड़ेगा, लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का थोड़ा लॉजिकल सिक्वेंस रहेगा, और अरिथमेटिकल रीजनिंग, और उसके बाद में इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, जैसे कि मिसिंग कैरेक्टर वाला जो टॉपिक है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और साथ ही साथ ये थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला भी टॉपिक है, इसके अंदर भी हम अच्छा स्कोर कर सकते। डाटा सफिशियंसी, एलिजिबिलिटी टेस्ट, असेशन एंड रीजन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, लगभग हमारा वर्बल रीजनिंग का ये टॉपिक था, और उसके बाद में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नॉन वर्बल का, ठीक है। नॉन वर्बल का भी लगभग पेपर फोल्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये सब नॉन वर्बल वाले हो जाएंगे, फिगर मैट्रिक्स, उसके बाद में पेपर कटिंग, उसके बाद में रूल डिटेक्शन, उसके बाद में ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, उसके बाद में क्यूब्स एंड डायस, उसके बाद में डॉट सिचुएशन, उसके बाद में क्लासिफिकेशन अलग अलग, चूज द ऑड फिगर, चूजिंग द सिमिलर फिगर, फाइंड फिगर विद द सेम कैरेक्टर, तो ये सब आएगा नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल यानी ऐसा रीजनिंग जो कि अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से हमको वो सॉल्व करना है, ठीक है। और वर्बल रीजनिंग यानी वो रीजनिंग जो कि नंबर्स में दिया जाएगा, थोड़ा बहुत इसके अंदर ये होगा, क्या होगा, हम बोल सकते हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा लॉजिक होगा एज कंपेयर टू नॉन वर्बल रीजनिंग, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग मैं मानता हूं काफी इजी रहेगा एज कंपेयर टू वर्बल रीजनिंग। देखो इजी और हार्ड का कोई रोल नहीं इसके अंदर रोल है आपका अंडरस्टैंडिंग पावर, आपकी ग्रास्पिंग पावर कि आप कितना जल्दी लॉजिक को कैच कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये वाला कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे अरेंज किया है ये इसके अंदर ही आएगा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के अंदर, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन अवर पावर, प्रैक्टिस,
उसके बाद में हमारा ग्रास्पिंग पावर कितना है वो काफी इम्पोर्टेंट है। सो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग मैंने डिस्कस कर दिया है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज है हमारे पीजीआरएल की ओर से, वो मैं आपको दे दूं। और जैसे हम सभी को पता है कि ये जो रीजनिंग बैच है, ये है हमारा रीजनिंग प्लेटो बैच। क्या है ये? रीजनिंग प्लेटो बैच, ठीक है। तो किसी को भी अगर प्लेटो बैच ये ज्वाइन करना है तो कर सकता है, बस कंडीशन ये है रीजनिंग प्लेटो प्लेटो बैच। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक कंडीशन है, इसके अंदर जो बैच ऑफलाइन बैच की जो कैपेसिटी है वो ओनली 500 है, ठीक है स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट कैन बी एनरोल। यानी सिर्फ 500 बच्चे इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन आप डेफिनेटली कर सकते हैं बाय पेइंग सम फीस। तो आप किस बैच में कंफर्ट है ये डिसीजन आपका है। इसके अंदर नितिन सर सिर्फ आपको ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अगर आपका अगर पावर अच्छा है और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे है तो आप ऑनलाइन बैच अटेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि वर्चुअली मुझे उतना प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा प्रैक्टिस करने में तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। तो ओनली 500 स्टूडेंट कैन बी एनरोल अवर सेल्फ, और ये है ऑफलाइन बैच जो कि रहेगी अमरावती सिटी में रहेगी, और साथ ही साथ तो पॉसिबिलिटीज है कि नागपुर सिटी में भी रहेगी, क्योंकि हमारा जो पीजीआरएल का अभी जो एक्सपेंशन हुआ है वो अभी जो पहली सिटी है अमरावती से निकलकर अभी नागपुर में भी अभी पीजीआरएल एक्टिव हो गया है। सो मुझे ऐसा आशा है कि नागपुर में भी इसका बैच चालू हो जाएगा, लेकिन राइट नाउ अभी नागपुर में इसका बैच चालू नहीं है। सो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई नागपुर कर भी है और उनको भी ये रीजनिंग बैच ज्वाइन करना है तो एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एक तो आप इसको ऑनलाइन अटेंड कीजिए, या फिर हो सके तो अमरावती आ जाइए रीजनिंग के बैच के लिए, क्योंकि नागपुर के अभी ये चालू होने का है। सो इसका जो फीस है वो तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप पूछ लो इसका फीस क्या रहेगा, तो 8390614418। और एक अनदर दो कॉन्टेक्ट नंबर है, तो वो जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, और दो कॉन्टेक्ट नंबर है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कॉल करना है तो इसके ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे एक मिस्टर शुभम है जो कि हमारे कैमरा पर्सन भी है और साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आप पूछ लेना, वो बता देगा आपको। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो बैच है ये लगभग ये भी बैच हमारे अगस्त के एंड को ये फुल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है एडमिशन। इसकी जो एडमिशन है वो अगस्त के एंड को खत्म हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए कि अगस्त के पहले यानी अभी तो मेरे ख्याल से आज की 10 तारीख है और 20 दिन बाकी है, तो ये तारीख को आप ध्यान में रखिए कि अगस्त के लास्ट डे तक ही इसका एडमिशन ओपन है, और इसकी कैपेसिटी है 500 ओनली, ठीक है। और एनी स्टूडेंट कैन बी एनरोल इन दिस बैच, बिकॉज रीजनिंग की सबको जरूरत है,
कोई बैंकिंग कर रहा है, कोई रेलवे कर रहा है, या फिर कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई एमपीएससी कर रहा है, कोई जीपीएससी कर रहा है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, और एनी स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट या फिर कोई रेपुटेड कंपनी में अगर इंटरव्यू देना चाहता है तो उसका जो रिटन टेस्ट रहेगा वो तो वर्बल एंड रीजनिंग के बेस पे ही होगा। सो ऑल फ्रेंड्स प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको ज्वाइन करिए और अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। और रही बात हमारी यहाँ पे सैटरडे को एंड वीकेंड टेस्ट होगी, और वीकेंड टेस्ट में भी पार्टिसिपेशन रहना, पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट हैव द ऑप्शन, दे कैन अटेंड ऑनलाइन वीकेंड टेस्ट, बट ऑफलाइन के बच्चों के लिए ऑफलाइन टेस्ट देना जरूरी है जो कि हर सैटरडे को होता है। ठीक है, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। एंड और एक इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको, जैसे कि हम सभी को पता है कि ये जो एडिशन है ये प्लेटो बैच एडिशन है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑफलाइन का भी एडवांटेज है, हम बोल नहीं सकते ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस उतना है कि यहाँ पे आप फिजिकली जब आते हो तो एक अलग लेवल का अटेंशन, और उसके बाद में एक हम बोल सकते उसको वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क हम बोल सकते हैं, ये बढ़ जाता है। देखो, किसी चीज के लिए हम कुछ पे करते हैं, जैसे फिजिकली मान के चलो अभी मुझे पानी पीने जाना है, ठीक है, और पानी मेरे पास आ रहा है, ठीक है, और मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जा रहा हूँ पानी पीने के लिए, इसके अंदर डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हम वॉक करके जाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, उसी समान अगर ऑफलाइन, देखो दोनों भी वे को हम एक्सेप्ट करते हैं और दोनों भी वे काफी अच्छे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑनलाइन काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, ना मैं ये बोलूंगा ऑफलाइन अच्छा है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। दोनों भी अपने अपने जगह पे ठीक है, एज पर सिचुएशन, एज पर अवर ग्रास्पिंग पावर आप उसको डिसाइड कीजिए। सो फीस में थोड़ा माइनर डिफरेंस आएगा, जैसे हम सभी को पता है कि ऑनलाइन की जो फीस है वो थोड़ा कम रहेगी एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, बिकॉज ऑफलाइन में हमको सब मैनेज करना पड़ता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल एक्सपेंसेस, मीन्स बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं जो हाइड एक्सपेंसेस रहते हैं। सो आप ज्वाइन कीजिए रीजनिंग प्लेटो बैच, और जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी जो टीजीआरएल फैमिली इसने अभी रिसेंटली ये किस किस क्षेत्र में एक्टिव है मैं आपको एक इन शॉर्ट बता दूं। ये पहली बार 11, 12 से लेके पॉली इंजीनियरिंग, उसके बाद में पॉली इंजीनियरिंग, उसके बाद में गेट, ठीक है, उसके बाद में जीआरई क्या है सब सभी को पता है, टोफेल, ठीक है, टोफेल, और साथ ही साथ प्लस बोलिए चाहे अलग से बोलिए 1 to 12 एक्सक्लूसिव टेक्निकल सर्टिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री कोर्सेस। ठीक है, तो देखिए 11वीं 12वीं से लेके पॉली इंजीनियरिंग गेट, उसके बाद में जीआरई क्या है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जो कि अब्रॉड की पढ़ाई के लिए दिया जाता है, उसके बाद में टोफेल क्या है, टेस्टिंग ऑफ एक्चुअली ये थोड़ा गलत हो गया,
इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये है टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेंसिक लैंग्वेज, तो ये हो गया टोफेल, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद में ये रहेगा हमारा 1 से लेके 12 जो एक्सक्लूसिव टेक्निकल सर्टिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री कोर्सेस है, जो कि इन एसोसिएशन किसके साथ है, सेल्फी मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है, ये है अमरावती, जैसे कि हम सभी को पता है अमरावती एक महाराष्ट्र का लीडिंग डिवीजन है, जो कि हम बोल सकते हैं कि ये एजुकेशन में काफी लीड करता है हमारा अमरावती डिवीजन, और उसी धरती पे ये हमारा TJRL अकेडमी है, और साथ ही साथ TJRL अकेडमी ने एसोसिएट किया है विद सेल्फी मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूट अमरावती। तो राइट नाउ जैसे कि हम सभी को पता है कि काफी अलग अलग राज्यों से TJRL का अभी ये हो रहा है, यानी तारीफ हो रही है कि जो TJRL है वो टेक्निकल सब्जेक्ट में बोलिए या फिर हमारा गेट में बोलिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये आपकी प्रतिक्रिया है, आपका साथ है TJRL को, और ऐसा ही साथ आप हमारे ऊपर बना के रखिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम जितना भी अभी यहाँ पे डिस्कस हुआ है इसमें बेस्ट से बेस्ट देने का हम 100% यहाँ पे हमने ये किया है, निश्चय किया है, और हम उसके ऊपर चल भी रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम 11th 12th से लेके हमारे जितने भी 1 से लेके 12 जो एक्सक्लूसिव टेक्निकल सर्टिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री कोर्सेस है, इनके अंदर हम प्रॉपर वे से वर्क कर रहे हैं और उस हिसाब से वर्क कर रहे हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। जस्ट वी आर नॉट इन द बिलीव जस्ट अर्न सम मनी फ्रॉम दिस मीडिया एंड लिव द लाइफ, वी आर नॉट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, वी हैव द थिंकिंग सो दैट अगर हमने हमारे स्टूडेंट को कैपेबल किया तो वो आगे चल के इनडायरेक्टली हमारे सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और उसके बाद में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा भी चेंज होगा, ठीक है। देखिए अगर मान के चलो हमारे थ्रू एक आधे अच्छे लड़के का अगर कोई भी एनी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो रहा, ठीक है, जो हमने उसको यहाँ पे जो संस्कार दिए वही संस्कार वो ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाएगा और उसके अंदर इंप्लीमेंट करेगा, इनडायरेक्टली अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उसके वजह से इंप्लीमेंट हुआ तो इनडायरेक्टली उसका जो एडवांटेज वो हमें मिलने वाला है, तो ये क्या है, एक साइकिल है, ठीक है। जो आपके कॉन्टेक्ट में जो आ रहा है पर्सन बोलिए, स्टूडेंट बोलिए, एस्पिरेंट बोलिए, वही समाज को देने वाला है, और ऑफ्टरऑल समाज क्या है, समाज में TJRL भी रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस बात को पूरा मानते हैं कि हम जो भी करेंगे ये काफी काफी हमारे समाज को इसका फायदा होना चाहिए, उस हिसाब से करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज के कंटेंट में मैंने लिटिल बिट हमारा रीजनिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी है, अभी के लिए मैं रुकना चाहूंगा। मैं था आपका दोस्त, आपका मीडियम, आपका केयर टेकर NW मनोहर, एंड मुझे यहाँ पे जो बोलने का मौका दिया गया है ये दिया गया है TJRL की ओर से, TJRL अकेडमी अमरावती, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम कर रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वैल्यूएबल कॉन्टेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्प्रेडिंग दिस कॉन्टेंट अक्रॉस यूर फ्रेंड फैमिली रिलेटिव बेस्ट फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड स्कूल फ्रेंड एनी काइंड ऑफ फ्रेंड। So thanks a lot, you are keep watching TJRL.